फोम और मूव इज अ लाइट वेट प्रोडक्ट देन अ जेल और अ कर्लक्रीम और लिविन कंडीशनर कम्स इन अ बॉटल लाइक दिस यू हैव टू पम्प इट आउट और ये दिखता तो लिक्विड है पर लिक्विड है नहीं आप अगर इसको थोड़ा सा मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये ऐसा फोम के जैसे निकलता है फंड दिखता बॉटल में लिक्विड जैसा ही है foam and mousse are different but they are lightweight stylers for wavy or curly hair you don't have to differentiate between foam and mousse uh, it's none of our business it's just a styler you have to know that and these and these are on lightweight stylers for wavy fine hair people and my hair is medium coarse but i really like foam or mousse because these are very good for refreshes also यू कैन यूज इट एज अ स्टाइलर इन नॉर्मल वर्च डे आफ्टर अप्लाइंग कंडिशनर कल क्रीम एंड जेल इवन यू कैन अप्लाई इट विदाउट अ जेल यू कैन जस्ट यूज यूर लिविंग कंडीशनर कल क्रीम एंड देन यू कैन अप्लाई अम और मूव ऑल्सो यू कैन यूज इट एज अ रिफ्रेश डे टू डे थ्री हेर में जाके बाद उतने अच्छे डेफिनेशन नहीं रहता है ये फ्रीज हो जाता है तो एक क्विक रिफ्रेश के लिए एक फोम बहुत ही अच्छा काम करता है फॉर क्विक रिफ्रेश फोम इज अ वेरी गुड ऑप्शन मैं हर टाइम बोलती हूँ कि एक फोम और तो जरूर रखिए क्विक रिफ्रेश के लिए डे टू डे थ्री हेयर को अच्छे से फ्री बनाने के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए फोम बहुत ही अच्छा होता है और मैं भी हमेशा फोम से ही रिफ्रेश करती हूँ ज्यादातर एक्चुअली प्रॉब्लम इज YouTube इज नॉट अलाउंग मी टू एड सब टाइटल्स ऑन माई विडियोज बट आई विल ट्राई एंड लेट यू नो आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू पार्टनर्स टीम एंड आई विल ट्राई टू एड सब टाइटल्स एज सुन एज पॉसिबल सो so, अगर आपके बाल वेवी भी करली है और आपके बाल फाइन है आपको लाइट वेट प्रोडक्ट चाहिए फिर रिफ्रेश के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो यू कैन गिव इट अ ट्राई टू फोम और एंड तो यू विल फॉल इन लव विद देन लवीज टाइलर इन कंडीशनर एंड जेल टुडे आई टू शेयर थ्री बेस्ट एंड अफोर्डेबल मोस्ट और फोम इन इंडिया अंडर दिस थाउजेंड सो उसमें मैं कंपेयर करके बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस लिए किस कैटेगरी में अच्छा है जैसे साइन मॉइस्चर डेफिनेशन होल्ड एंड अदर थिंग्स So 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 let's get started. So, the first one is Curl Volumizing Foam. Ye 150 ml ka product hai. Ye aapko 900 to 1000 so, it's comes in a pump. Ye pump अच्छा है, बहुत smoothly निकल जाता है product. Packaging wise आप 10 on 10. ये प्रोडक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है इतना छोटा सा दिख रहा है बट बहुत दिनों तक चलता है ये प्रोडक्ट एक वन इंड स्टाइलर है

सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कर्लअप वेटलेस कर्ल एनहेंसिंग मूव फॉर फ्रीजी एंड कर्ली है ये भी 150 फिफ्टी एम एल का प्रोडक्ट है और ये अंडर फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड रुपीज आ जाता है मैं स्क्रीन पे मेन्शन कर दूंगी इट ऑल्सो कम्स इन अम्प पैकेजिंग नॉर्मली सब पोम और मूसेस पैकेजिंग में ही आते हैं ये भी आपको फाइव सिक्सटी टू सिक्स हंड्रेड में आराम से मिल जाएगा एमेजन पे और द लिंक्स विल बी शेयर इन द डिस्क्रिप्शन ये काफी लाइट वेट है और इसका पंप में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे पहले लगा था बट अभी बिल्कुल भी नहीं लगता थोड़ा सा हार्ड तो है पर ठीक है कोई प्रॉब्लम मुझे उतना लगा नहीं सो इट गिव्स अ रियली गुड शाइन एंड होल्ड फॉर टू डेज एजबर वाले में थ्री टू फोर डेज तक लॉन्जिविटी है बट इसमें टू टू थ्री डेज तक ही है इसका वॉल्यूम काफी अच्छा होता है डेफिनेशन भी अच्छा होता है शाइन भी अच्छा देता है और क्लम्प भी बहुत अच्छे से इंटैक्ट भी रहता है this is the results of curl up mousse and you can see the definition hold everything is fine volume is also fine and my hair ends are also defined is my pomegranate flaxseed extract and aloe vera to revive dull hair boost hair thickness तो ये भी रिफ्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है या फिर आप वर्ष में यूज करें तो भी बहुत ही अच्छा है इवन श्योरली गिव इट अ ट्राई 4.5 ऑन 5 और अगर एफोर्डेबल रेंज में अंडर 500 हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड बोल लो तो इंडियन मार्केट में ये सबसे अच्छा है इससे वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिल जाता है रिफ्रेश के बाद भी बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलता है बट ये स्टे नहीं करता उतना तक जितना तक एचबा वाला करता है सो फोर पॉइंट फाइव फाइव एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज सुगर बुकर्ल स्टिंग फोम फॉर ऑल कर्ल टाइप पैराबिन सल्फे एंड आदर ने टू हंड्रेड एम एल का प्रोडक्ट है ये भी आपको फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड में मिलेगा इट ऑल्सो कम से न पम्प पैकेजिंग और इसका पम्प काफी अच्छा है तो पैकेजिंग वाइज तो टेन ऑन टेन है ही ये फोम भी बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छा फोल्ड देता है बहुत मॉइस्चराइजिंग भी है बालों को टच करते ही क्लम्स बनने लगते हैं और स्टाइलिंग जेल जैसा फील होता है बट ये है नहीं जेल जेल जैसा भी इसका मॉइस्चर या फिर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है बट होम है तो लाइट वेट भी है और काफी हद तक मॉइस्चर लॉन्जिविटी साइन ऑल कुछ दे देता है शाइन इसमें थोड़ा सा कम है वॉल्यूम इसका काफी अच्छा है डेफिनेशन ठीक ठाक है कर्लब जैसा ही डेफिनेशन है बट इसमें शाइन कम है मॉइस्चर काफी अच्छा है और ये रिफ्रेश के लिए बहुत ही अच्छा है दिस एट द रेट ऑफ 500 टू 600 रुपीस रुपीज ये आपको so क्वालिफाइड में बहुत ही सस्ता मिलेगा क्वालिफाइड एक वेबसाइट है जिसमें क्लियर प्रोडक्ट्स मिलता है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आप आउट कर सकते हैं मेरा कोड भी है संजना फॉर 10% off. So I will give it 3.515. So if we compare these three uh, according to sign and moisture, then Hamesha Ashba So I will definitely recommend you to get this. If you have a budget of Rs. 900 to 1000 rupees, get this one. as we toss the list in sign and moisture category. And the second one is curl up, curl up one is also gives a great sign and moisture, but not like the Ashba one. Third is sugar booker styling foam. According to hold and definition, again as per top of the list, and the second is curl up mousse, and third is sugar booker styling foam. एजबा वॉलिंग फोन बिकॉज इट गिवस अ ग्रेट डेफिनेशन टिल डे थ्री एंड डे फोर और रिफ्रेश भी करोगे तो बहुत अच्छा डिफिनेशन देता है बहुत दिनों तक लॉन्जिविटी है इसका और सेकेंड पोजिशन पे कर आता है ये भी काफी हद तक डे टू डे थ्री तक दे देता है इसका होल्ड डेफिनेशन काफी अच्छा होता है वॉल्यूम वाइज एज दलवेज टॉप द लिस्ट वॉल्यूम इसका काफी अच्छा है और डे बाई डे फ्रिज क्रिएट नहीं होता बट वॉल्यूम इसका बढ़ता रहता है आई डोंट नो हाउ सेकेंड पोजिशन पे कर लाता ला है इसका भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है बट थोड़ा सा फ्रीजी काइंड ऑफ वॉल्यूम है इसका आफ्टर डे और आफ्टर रिफ्रेशिंग ऑन डे टू और डे थ्री डे फोर फाइव में आपको इसमें दिखेगा कि थोड़ा सा फ्रिज है और वो फ्रीज वॉल्यूम में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है बट वो दिखने में उतना ख़राब नहीं लगता है वॉल्यूम वाइज शुगर बुकर्स का मुझे नहीं लगता कि ये उतना अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है तो इट ट इन थर्ड पोजिशन If you ask me how long it does last, so ashwa lasts the best day 3 to 4, and whenever you refresh, you can just postpone your worst day after using it. But I don't promote it. And for curl up, day 2 to day 3, uh normal long-lasting curls you can get. My curls last till day 2 with sugar curls. But if you ask me, my favorite is ashwa volumizing foam, and after that it's curl up wetless mousse. And after that, this one I have tried using of uh, FMC uh, Mouth and uh, sorry, FMC Foam and True Frog one. one is better than FMC One, FMC One is very dry, True Frog One is nice, but I feel that these products are much more better than those two. So, you can check the description box, whatever you will like it, you can buy from there. That's it for today's video. Let me know in the comments your queries and also what videos you want to watch. I'll be back next week with a new video. Bye bye.